हेलो फ्रेंड्स माय नेम इज शशांक जैन वेलकम टू माय चैनल वुडोफा और आज मैं अपने चैनल में एक बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा हूं और एक आपके लिए एक ज़बरदस्त सीरीज बना के लेके आया हूं और ये सीरीज है वैदिक वास्तु आपने वास्तु के बारे में तो सुना ही होगा और मेरे पास दो एक्सपर्ट्स हैं उनके बारे में भी शॉर्टली बताऊंगा पहले ये बताता हूँ ये सीरीज़ है क्यों अगर आप हमारे चैनल को देखते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब आपने किया हुआ है तो आप समझते हैं हम इंटीरियर्स और और बहुत सारे कंस्ट्रक्शन के टिप्स आपको देते रहते हैं तो जब लोग मेरे पास आते थे अपने घर के इंटीरियर्स कराने के लिए या अपने फार्म हाउस को बनवाने के लिए या कोठी को बनवाने के लिए तो उनका बेसिक सवाल होता था कि शशांक क्या आप वास्तु फॉलो करते हो क्या आपको वास्तु की जानकारी है क्या हमारे घर में हमें वास्तु को फॉलो करना है तो हमें बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताता था तो ये सीरीज आप सब लोगों के लिए जो अपना घर बना रहे हैं या अपने घर के बनाने के बारे में सोच रहे हैं चाहे अपार्टमेंट में रहते हैं प्लॉट में रहते हैं विला है फार्म हाउस है या किसी भी तरीके का घर है ये सीरीज आपके लिए और आप जरूर देखते रहिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिए और हमें प्यार देते रहिए सो गाइज में आप इंट्रोड्यूस करता हूँ हमारे एक्सपर्ट्स ऑन द पैनल डॉक्टर प्रदीप जैन एंड डॉक्टर प्रिया जैन सो so, इनको मैं एक सुपर एनर्जेटिक कपल बोलता हूँ और दोनों लोग हमारे परिवार के साथ हमारे साथ काफ़ी सालों से जुड़े हैं और भैया और दीदी के बारे में क्या ना बोलूँ वही कम है तो टोटल मिला के भैया को पंद्रह साल का एक्सपीरियंस है और डॉक्टर प्रदीप ने और डॉक्टर प्रिया जी ने 1500 प्लस क्लाइंट्स के साथ काम किया है तो आप सोचो कि वास्तु के 1500 प्लस क्लाइंट्स बहुत बड़ा नंबर होता है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आज इंडिया में भैया और भाभी का टॉप पाँच वास्तु एक्सपर्ट्स में नाम बहुत अच्छे से गिना जाता है तो अब मैं ओवर कर रहा हूँ माइक भैया को और डॉक्टर प्रदीप अपने बारे में कुछ बताएंगे मैं डॉक्टर प्रदीप जैन पिछले पंद्रह वर्षों में वास्तु और ज्योतिष के माध्यम से हज़ारों लोगों के जीवन में परिवर्तन किया हजारों घरों का बिलाओं का अपार्टमेंट्स फार्म हाउस हॉस्पिटल स्कूल कॉलेज निर्माण कराया वास्तु के अनुसार और देखा वो लोग कितनी तरक्की कर रहे हैं तो वास्तु हमारे जीवन का मूल आधार है हमने वास्तु के अंदर हर एक चीज़ को कंबाइन किया है पर्सनलाइज वास्तु करते हैं हम लोग कि हर एक पर्सन के लिए कौन सी जोन अच्छी है उसके बच्चों के लिए कौन सी जोन अच्छी है उसकी वाइफ के लिए कौन सी जोन अच्छी है कि जिससे वो वहाँ पर बैठें जिससे वो वहाँ पर सोएं या वहाँ पर वो खाना भी खाएं तो जिससे उनकी लाइफ के अंदर ग्रोथ हो ओवरऑल ग्रोथ हो स्पेसिफिक वास्तु ये होता है कि आपके लिए क्या अच्छा है जो आपको अच्छा करेगा जो आपकी लाइफ में ग्रोथ करेगा उसको हम जाने और उसको हम अपनाएं लाइफ के अंदर और हम लाइफ में अपनी तरक्याँ हासिल करें और लाइफ को स्मूथ करें हमें लाइफ के अंदर सिर्फ एक वास्तु ही इंपॉर्टेंट नहीं है हमें लाइफ के ओवरऑल डेवलपमेंट चाहिए जिसके अंदर हमारी लाइफ में रेकी हमारी लाइफ का एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट हमारा लाइफ का अपने हमारा जो कर्मास हैं एट प्रेजेंट सिनेरियो जो हम कर रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है उन सब चीज़ों को मिक्स करके हमने भक्तांबर के माध्यम से भी उनको मंत्रों के माध्यम से भी चेंट करना सिखाया बताया कि आप इन चीज़ों को करिए जिससे कि आपकी लाइफ में परिवर्तन आए और ओवरऑल जब डेवलपमेंट होता है तब लाइफ में ग्रोथ होती है भैया मेरा आपसे सवाल है वास्तु क्यों इम्पोर्टेंट है और ये घर के वेरियस जोन को कैसे इफेक्ट करता है सबसे पहले तो वास्तु में समझना है कि वास्तु क्या है वास्तु एक व्यवस्था है जो पांच तत्वों से बनकर एक समिश्र है हमारा शरीर पांच भौतिक एलिमेंट से बना हुआ है जल वायु अग्नि पृथ्वी और आकाश जितना भी यूनिवर्स में जितनी चीजें हैं सब कुछ पांच एलिमेंट से बनी हुई हैं तो उन पांचों का संतुलन ही समायोजन ही बॉडी की व्यवस्था के हिसाब से पृथ्वी की व्यवस्था के हिसाब से और घर की व्यवस्था के हिसाब से एक होना इसी का नाम वास्तु है वास्तु कोई जादू मंत्र नहीं है टोना टोटका नहीं है वादू कोई वास्तु कोई मिथक नहीं है वास्तु सिर्फ एक व्यवस्था है कि किस एलिमेंट को किस रेतों में कहाँ व्यवस्थित किया जाए पहली बात जरूरी क्यों है क्योंकि घर जब बनता है तो वास्तु में बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं वास्तु में सबसे पहले हम देखते हैं पांच एलिमेंट जिसका पांचवा एलिमेंट है जल वायु अग्नि पृथ्वी और आकाश ये पांच एलिमेंट हमारे वास्तु को सोलह जोन में डिवाइड कर देते हैं सोलह दिशाओं में डिवाइड कर देते हैं वो सोलह दिशाएं मिलकर बत्तीस द्वारों का निर्माण करती हैं उन बत्तीस द्वारा ही हमारी तरक्की का समृद्धि का प्रोस्पर्टी का आनंद का खुशी का शांति का रास्ता हमारे जीवन में खोलती हैं तो वास्तु इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कहीं हम गलत एलिमेंट को गलत जोन में प्लेस कर दें अगर वाटर जोन में फायर एलिमेंट प्लेस कर दिया जाएगा तो क्या वाटर जोन वहाँ का बैलेंस रह पाएगा नहीं मुश्किल काम हो जाएगा और फायर जोन में अगर वाटर को प्लेस कर दिया जाए तो भी मुश्किल काम हो जाएगी तो सबसे पहले व्यवस्था करनी सीखनी है हमें कि पांचों एलिमेंट बैलेंस हो जाएं घर के जो एलिमेंट जहाँ का है वो चीज़ें उसी जोन में रखी जाएं उसके बाद रंगों को चुनाव करना उसके बाद किसी पार्ट्स को किसी प्लॉट को प्लॉट्स हो अपार्टमेंट हो फ्लैट हो कोठी हो स्कूल हो कॉलेज हो वास्तु सबसे पहले काम करेगा कि इसको बत्तीस जोन में डिवाइड किया जाए सोलह दिशाओं में डिवाइड किया जाए और पैंतालीस देवताओं में डिवाइड किया जाए तभी एक वास्तु की पूरी संकल्पना निकल के आ सकती है और इन सबको संतुलन मिलाकर सही डायरेक्शन में लेके जाना जिससे हमारे जीवन में ग्रोथ हो सुख शांति हो समृद्धि हो और आसान हो हमारा जीवन सही वास्तु क्या काम करता है सही वास्तु मीठी चीज़ों को और मीठी कर देता है और कड़वी चीज़ों को कम कड़वी कर देता है अगर यही गलत वास्तु हो तो वहाँ मीठी चीज़ भी कड़वी हो जाएगी और कड़वी चीज़ तो जहर बन जाएगी तो इसलिए हमें वास्तु जरूरी है क्योंकि जीवन एक ही बार मिलता है यहाँ कोई रिस्क लेने का कोई ऑप्शन नहीं है तो जितना हम वास्तु को कुंडली से जोड़कर अध्यात्मता जुड़कर और अच्छे कर्म कर कर अपने जीवन को सरलता से आसानी से और समृद्धि के शिखर पर पहुंचा जा सकता है इसलिए हमें वास्तु की आवश्यकता है बहुत अच्छी बात तो गाइस जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि प्रदीप भैया ने बहुत ही अच्छे तरीके से वास्तु को साइंटिफिकली ये साइंस के तौर पे देखा जाए और एक खाली जो लोग सोचते हैं टोना टोटका या कोई तो पुराना वैदिक मंत्र तंत्र है उस तरीके से ना देख के और एक साइंटिफिक तरीके से देखा जाए जैसे कि बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया कि वाटर को फायर से मत मिलाओ फायर को वाटर से मत मिलाओ और जिस जोन का जो चीज़ है उसके अंदर उसी को सेट कराओ तो इससे आपके घर के अंदर समृद्धि बढ़ेगी आपको अच्छा लगेगा और ओवरऑल आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी बढ़ेगी तो मैं इसीलिए बोलता हूँ वास्तु इंपॉर्टेंट है सो दीदी ये सवाल आपके लिए कि बहुत बार कोई प्लॉट पे काम करता है कोई अपार्टमेंट में काम कराता है तो क्या इन दोनों का वास्तु सेम होता है या अलग होता है जी दोनों का वास्तु सेम होता है सेंटर पॉइंट के हिसाब से हम देखते हैं कि उनके बार चार्ट किस हिसाब से बना है कौन सी दिशा में कितना बल है यदि लाइफ में हमें देखना है कि हमारा एक हाथ बहुत लंबा हो जाए और एक हाथ बड़ा छोटा हो जाए तो क्या हम काम कर सकते हैं इनबैलेंस हो जाएगा हमारी लाइफ में तो इसीलिए अपार्टमेंट का वास्तु भी सेम होता है और विला का वास्तु भी या फिर हम एक प्लॉट पे यदि अपना पूरा घर बना रहे हैं तो वास्तु इज सेम लेकिन यदि उसके डायरेक्शंस में कितना बल है वो उसका बार-चार्ट बनाते हैं हम सेंटर पॉइंट निकाल कर तब हम जान पाते हैं कि किस दिशा के अंदर कितना बल है हमें कैसे काम करना है उसके ऊपर तो दीदी जब हम वास्तु करते हैं एक फ्लैट का या एक विला का तो क्या आपका प्रोसेस सेम होता है पूरे को करने के लिए क्या जो हमारी ऑडियंस है जो काम कराना चाहता है उसको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए वो करने से पहले कुल उसको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि तो प्लॉट के अंदर जो होता है फिर भी जो दिशाएँ हैं बल जो होता है इक्वल आता है बैलेंस रहता है लेकिन जब हम एक अपार्टमेंट में काम करते हैं उसमें कहीं कहीं दिशाओं के अंदर बहुत ज़्यादा बैलेंसिंग नहीं होती है और बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाती हैं कहीं दिशाएं तो हमें उन चीज़ों को उनको बताना पड़ेगा कि आप इस प्लॉट में या इस अपार्टमेंट में आपने लिया है तो आपको ये इश्यूज थोड़े से रह सकते हैं लेकिन फिर हम वहीं पर उन रंगों को और एनहांस करते हैं वहाँ पर उनकी एक्टिविटी या वहाँ पर उनकी यूटिलिटी को उस तरह से बैलेंस करते हैं कि जो दिशा बल कमज़ोर भी है उसका उनके ऊपर रिजल्ट ना आए या उनके ऊपर उसका प्रभाव ना आए तो दीदी इसी के साथ एक और सवाल आया जब हम प्लॉट और फ्लैट के वास्तु की बात कर रहे थे तो क्या जो हमारी ऑडियंस है जो लोग हैं Uh, क्या उन्हें प्रॉपर्टी खरीदने से पहले या फ्लैट खरीदने से पहले वास्तु का करना चाहिए और उसके बारे में सोचना चाहिए जी बिल्कुल जब भी क्लाइंट ले रहा है अपना प्लॉट ले रहा है या वो फ्लैट ले रहा है तो उसको पहले कंसल्ट करना चाहिए कि उसकी उसको कौन सा से सेंटर पॉइंट हम निकाल कर उसको हम गाइड करेंगे कि कौन सी दिशा आपके लिए अच्छी है और यदि कोई दिशा उसमें पूरी ही कट रही है तो वो उसको नहीं परचेज करें क्योंकि उसके बाद उसकी रेमेडीज पर हमें क्यों जाना यदि हमारे पास ऑप्शंस और हैं हम मार्केट में देख सकते हैं और ऑप्शंस पर जाकर तो हम उस पर जाएं यदि किसी ने ले ही लिया होता है तो उसको हम सारे उसके डूज एंड डॉन्ट्स सारे क्लियर कर देते हैं वास्तु करने से पहले ही कि आपको ये चीजें देख लेनी चाहिए जैसे कि हमने कई बार देखा कि किसी किसी अपार्टमेंट में फ्लैटों में क्या होता है कोई कोई जोन पूरी पूरी मिसिंग हो जाती है और उस मिसिंग जोन की पूर्ति करना बड़े मुश्किल काम हो जाता है तो इसलिए कभी भी कोई भी प्लॉट लें अपार्टमेंट लें कोई फैक्ट्री लें तो पहले कंसल्ट करना चाहिए किसी वास्तु कंसल्टन से करें लेकिन पहले कंसल्ट करना बहुत अच्छा होता है वो उनकी लाइफ के लिए ही ग्रोथ है कि जो कल प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में एंटर करेगी वो आज ही उसका सोल्यूशन निकाल लें तो भैया इसका मतलब है कि हम हमेशा प्रिवेंटिव वास्तु को फॉलो करना चाहते हैं रादर देन रेमेडी वास्तु को कि हमें रेमेडी कम से कम करनी पड़े और प्रिवेंटिव मेजर्स को ज्यादा लेना पड़े क्या ये कहना ठीक रहेगा बिल्कुल ऐसे ही कहना ठीक रहेगा क्योंकि जितना स्वस्थ शरीर होगा स्वस्थ शरीर से मतलब मेरे यहाँ स्वस्थ वास्तु से है तो स्वस्थ जितना वास्तु होगा उस वास्तु में जितनी अच्छी चीज़ें होंगी जितनी अच्छी पॉजिटिव चीज़ें होंगी जैसे आगे हम डिस्कस करेंगे इनके बारे में तो उसको उपचार पे तो लास्ट में जाना पहले ठीक होना चाहिए सब कुछ बैलेंस होना चाहिए तभी मजा है लेने का और आदमी जो कोई प्लॉट लेता है फ्लैट लेता है अपार्टमेंट लेता है फैक्ट्री लेता है तो क्यों लेता है वो अपनी ग्रोथ के लिए आगे तरक्की के लिए लेता है और अभी शुरुआत में ही हम उसमें रिस्ट्रिक्शन लगा दें कि हाँ ये कमी है और उसमें दवाई लेनी पड़ेगी उसमें रेमेडी करनी पड़ेगी तो मेरे हिसाब से मैं उसको उचित नहीं समझता अपनी लाइफ में दूसरी बात जब हम कोई प्लॉट लेने जाते हैं तो वहाँ की उस उस प्लॉट की एनर्जी इतनी नेगेटिव होती है कि उसको बनाना नहीं चाहिए उस शमसान के पास है वो स्कूल के पास है वो मंदिरों के पास है अब मंदिर हालांकि पॉजिटिव एनर्जी मानी जाती है हमारे पूरे भारत के में। लेकिन फिर भी मंदिरों के पास रहने वाले लोग दुखी पाए जाते हैं परेशान पाए जाते हैं वो मंदिर के कारण नहीं मंदिर के पास जो ढेरों सारा क्राउड आता है वो गंदगी फैला जाता है जो ट्रैफिक अपना व्हीकल खड़े कर जाता है वो जो अनवांटेड इशू हो जाते हैं वो दुखी करते हैं तो प्लॉट घर मकान दुकान फैक्ट्री कुछ भी हो वास्तु बाद में आ, भाई प्लस या माइनस होता है अंदर का लेकिन उसके सबसे पहले उसके आसपास का एनवायरनमेंट है, उस, है उसकी बाउंड्रीज कैसी हैं उसकी कैसा है ये तो एक नई बात ही पता लगी भैया आपके ज़रिए जनरली सब लोग उस करंट प्लॉट या करंट वास्तु या करंट फ्लैट के बारे में सोचते हैं और आपने बताया कि नेबरिंग की जो आसपास की चीज़ें हैं आ, उसके दो तीन चार किलोमीटर का जो दायरा है उसको भी आ, सोच समझ के लेना चाहिए ये एक बहुत अच्छी क्या है कि कम से कम पाँच मीटर के एरिया में क्या चीज़ें आ रही हैं वो सबसे ज़्यादा मायने रखती हैं बड़ा पेड़ बिजली के खम्भे हाई आ, हाई टेंशन वायर हाई टेंशन केबल्स ये चीज़ें बहुत इफेक्ट डालती हैं वास्तु में मूवी हॉल कहाँ पर है उस दिशा में मार्केट्स अच्छा। कहाँ पर है हॉस्पिटल्स कहाँ पर है कौन सी दिशा में उसके घर के आ रहा है कि इंसान उस घर में शिफ्ट होता है और वहाँ पर उसके हॉस्पिटल्स के चक्कर लगने लग जाते हैं उसने अंदर का तो इंटीरियर वास्तु बहुत अच्छा कर लिया लेकिन उसकी बाहर की जो बाउंड्रीज है वो तो उसको इन्वाइट कर रही है ना कौन सी जो ओपन है उसकी और कौन सी आगे इन फ्यूचर बंद हो सकती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है अब किसी ने नॉर्थ फेसिंग कर ले लिया लेकिन साउथ वेस्ट उसका खुला हुआ है एयर तो एलिमेंट तो मतलब है? है तो, एलिया, बढ़ गया, तो उसकी प्रॉब्लम चलती रहेगी तो सबसे पहले प्लॉट को खरीदने से पहले ही उसका वास्तु पता चल जाता है कि यहां आगने के वाले क्या रिजल्ट मिलेंगे तो परचेज करने से पहले हमें कुछ भी परचेज करें हमें वास्तु कंसलटेंट से सलाह ज़रूर करनी चाहिए बहुत ही अच्छी बात तो गाई ये मैं इसको छोटी सी समरी करता हूँ तो जो भैया ने भी बोला ये वीडियो ज़रूर देखिएगा अगर आप कोई भी प्लॉट फ्लैट फैक्ट्री दुकान कुछ भी ख़रीदना चाहते हैं तो जैसे कि हम पहले बोला करते थे आप एक आर्किटेक्ट इंटीरियर डिज़ाइनर को हायर कर लीजिए ऐसे ही पहले आप एक वास्तु कंसल्टेंट को हायर करिए चाहे कोई भी है आपके आसपास पास आप चाहे इंडिया में है चाहे इंडिया से बाहर है आपको ज़रूर हायर करना चाहिए उसके बाद ही कोई चीज़ के बारे में खरीदने के बारे में सोचना चाहिए अच्छा भैया एक और सवाल आ, मेरे दिमाग में आया क्योंकि अभी तक तो हम खरीदने की बात कर रहे थे क्या लोग जब अक्सर रेंट पे मूव करते हैं तो क्या उसका वास्तु भी उनको ऊपर इफेक्ट करता है क्यों नहीं करेगा आप एक रेंट की गाड़ी लो जिसके ब्रेक फिल हों तो <laughs> so, क्या वो ऑनर को कर परेशान करेगी ऑनर का कर, एक्सीडेंट करेगी या मेरा करेगी या जो भी इसको चलाएगा अगर वास्तु रिफिट है और घर है या रेंटेड ऑफिस है या रेंटेड फैक्ट्री है तो सबसे पहले जो उसमें वर्क कर रहा है उस पे असर करेगी okay. तो इसलिए रेंट का हो अपना हो लीज पे हो कुछ भी हो वास्तु तो हर समय जागृत है वो तो हमेशा चलो घर अच्छा तो ये इतना इमीडिएट इफेक्ट कर देता है भैया मतलब वास्तु का ये ये तो और भी कंसिडरेशन हो गई कि

कम से कम तीन घंटे में वास्तु का असर आने लग जाता है और कुंडली बहुत हो 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 का घड़ा प्रबल कर्म अच्छे तो मैक्सिमम बारह साल अच्छा लेकिन ऐसा किसी केस में देखने को नहीं मिला कि खराब वास्तु में कोई व्यक्ति बारह साल बारह पाया पाया पाया। साल से पहले ही उसका असर दिखने लग जाता है या

तो हर दिशा में आठ आठ पार्ट्स हो गए आठ पार्ट्स में सिर्फ दो ही द्वार ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं बाकी छह द्वार कभी भी पॉजिटिव नहीं होते वो नेगेटिव ही माने जाते हैं नेगेटिव से मतलब कि वो हमारे लिए फ्रूटफुल नहीं है तो इसका मतलब हमारे नॉर्थ में भी दो द्वार हो गए जिसको एन थ्री एन फोर के नाम से काउंट किया जाता है ईस्ट में दो द्वार हो गए ई थ्री ई फोर के नाम से साउथ में दो द्वार हो गए एस थ्री एस फोर के नाम से और वेस्ट में भी दो द्वार हो गए डब्लू थ्री और डबल फोर तो इसका मतलब कि चारों दिशाओं में एंट्रेंस बनाई जा सकती है एक सवाल तो ये। दूसरी बात हर दिशा हर किसी के लिए इंपोर्टेंट होती है ये कुंडली चार्ट से ही पता चलता है कि किस व्यक्ति को कौन सी डायरेक्शन में अपना मेन डोर बनाना चाहिए कुंडली के फोर्थ हाउस के हिसाब से, सेकेंड हाउस के हिसाब से फर्स्ट हाउस के हिसाब से पता चलता है उसकी वहां की दिशाएं कौन सी है तो इसलिए द्वार कहीं भी बनाए जा सकते हैं चारों दशाओ में जो हमने आपको नंबर बताए बताया okay. लेकिन किसके लिए कौन सा द्वार इंपोर्टेंट है वो बहुत मायने रखता क्योंकि है क्योंकि कई बार देखा गया है, लोगों ने ईस्ट फेसिंग घर ले लिया और ई थ्री फोर के एंट्रेंस बना लिया है लेकिन पता चला उनके ट्वेल्थ हाउस की दिशा थी ई थ्री तो अनवांटेड एक्सपेंसिस इतने बढ़ गए उनके कि उनकी जो बेसिक सेविंग्स थी वो भी उन्होंने फिनिश कर ली लेकिन ई थ्री फोर के एंट्रेंस तो बहुत अच्छी होती है लेकिन अब उनकी ट्वेल्थ हाउस की दिशा थी

जो आर्टिकल्स हैं ब्लू कलर की जो थीम है वही हमें वहाँ पर प्योरीफिकेशन देता है वो हमारी लाइफ को ग्रोथ करता है अब ईस्ट जोन है हमारी ईस्ट जोन हमारी एयर जोन है तो वहाँ पर ग्रीन कलर की फैमिलीज़ ग्रीन कलर के कॉम्बिनेशनस तो वो हमारी लाइफ में ग्रोथ करेगा और ऐसे ही हमारी साउथ की जो जोन है वो हमारी अर्थ साउथ की जो जोन है हमारी वो हमारी फायर एलिमेंट है वहाँ पर रेड फैमिली पीच फैमिली इस तरह था, के कलर्स के कॉम्बिनेशन को हम देंगे तो हमारी लाइफ में नेम फेम होगा अब आगे हम हम जो बात करें हमारा है अर्थ एलिमेंट साउथ वेस्ट की जो दिशा है हमारी तो वहाँ पर हम येलो कलर की फैमिली गोल्डन कलर्स वहाँ पर देंगे तो हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी जो भी काम हम करेंगे उसमें निपुणता से काम करेंगे और बहुत देर तक उसमें जुटे रहेंगे बार बार चेंजेस नहीं करेंगे काम को अगली दिशा हमारी आएगी वेस्ट जोन की दिशा जो हमारा स्पेस एलिमेंट है वहाँ पर वाइट कलर के जब हम कॉम्बिनेशन देंगे वाइट कलर की चीज़ों को वहाँ पर एनहांस करेंगे वहाँ पर उस तरह की एक्टिविटी करेंगे स्पेस के स्पेस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हल्की हों तो हमारी लाइफ में ग्रोथ होती है और ओवरऑल हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी आती है और नेम फेम अच्छा होता है वेरी गुड तो भैया इसका मतलब हुआ कि हमारे जैसे चार मेन डायरेक्शन उसके बाद चार सब डायरेक्शंस आठ डायरेक्शंस तो ये होगी प्लस आठ और तो इन सोलह डायरेक्शंस के अंदर आ, हमारे हर जोन का अलग अलग कलर है अलग अलग फैमिली है या हम इनको चार पार्ट में ही डिवाइड कर लें नहीं पांच एलिमेंट्स हमने जैसे आपको बताए जल वायु अग्नि पृथ्वी और आकाश तो हर डायरेक्शन का एक पर्टिकुलर एरिया है जो फिक्स है वो एरिया है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक का जो डायरेक्शन है वो वाटर एलिमेंट है और वहाँ ब्लू कलर की फैमिली को फैमिली की बात की जाती है यहाँ यूज उसके कलर को यूज किया जा सकता है उसके एलिमेंट को यूज़ किया जा सकता है लेकिन नॉर्थ में जो सपोर्टिव कलर है वो वाइट कलर भी रहेगा और ग्रीन कलर, कलर, कलर भी रहेगा रहे लेकिन नॉर्थ में नॉर्थ वाली जोन में या ऐसे कह सकते हैं कि वाटर जोन में अर्थ एलिमेंट और फायर एलिमेंट एंटी कलर हो जाते हैं तो उनसे हमें बचना चाहिए इसी तरह बाकी जोन का भी हिस्सा ऐसी स्टेट रहेगा जो okay, आगे।, आगे और पीछे वाले रहेंगे वो सपोर्टिव रहेंगे और जो सामने वाले रहेगा वो हमेशा एंटी रहेगा वेरी गुड तो गाइज़ अगली बार अगर आप डिटेल वास्तु फॉलो करना चाहते हैं तो मुझे लगता है आपको इन कलर्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए और अपने इंटीरियर डिज़ाइनर को भी बोलना चाहिए कि मुझे मेरे घर की थीम को इस कलर के ज़ोन के अराउंड बनाएँ जिससे कि आपके घर की तरक्की हो आपकी तरक्की हो और ओवरऑल आप पूरे वास्तु को बैलेंस कर पाएँ इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो बात होती है वो होती है बार चार्ट हमारा अगर हमारा नॉर्थ पहले से एनहांस है तो हमें ब्लू कलर कम यूज करना चाहिए अगर कम है बार चार्ट चार के हिसाब से वो जोन की दिशा बल कम है तो हम ब्लू कलर को और ऐड करके उस बल को बढ़ा सकते हैं तो सबसे पहले जब भी घर बनाएं फैक्ट्री बनाएं, अपार्टमेंट बनाएं या उसको ठीक करें या उसकी करेक्शन करें तो सबसे पहले बार चार्ट हमारा इंपॉर्टेंट है जैसे हम मैथ से बनाते थे हर एक दिशा हर एक नंबर्स का बार चार्ट उसी तरह हमारी घर की जो सोलह दिशाएं हैं उनका बार चार्ट पर डिसाइड करता है कि हमें कौन से कलर को एनहांस करना है कौन से कलर को हमें स्टेबल करना है कौन से कलर को नलीफाई करना है लाइफ में से तीसरी बात वहाँ किस तरह के आर्टिकल रखे हुए हैं किस मेटल के रखे हुए हैं ये भी अपने आप के मायने रखता है और ये भी इंपॉर्टेंट होता है कुछ चीज़ें ऐसा होता है कि कभी कभी नेचर के द्वारा ही बैलेंस कर दी जाती हैं तो सब चीज़ों को देख ही हम कलर को यूज कर सकते हैं एक

तो मुझे लगता है जैसे कि आपने बताया हर जोन की अपनी एक इंपॉर्टेंस है और ये सबसे बड़ी बात है कि आपकी कुंडली आपके बार चार्ट और आपके घर के वास्तु को या फैक्ट्री के वास्तु को ये कनेक्ट करता है तो, तो कोई भी जो आप अपना वास्तु का काम कराना चाहते हैं तो आप ये मत सोचिएगा कि मेरे को नॉर्थ वेस्ट के बारे में पता है साउथ वेस्ट के बारे में पता है इसके बारे में पता है उसके बारे में पता है, है तो सही है हो सकता है सही हो पर आपकी कुंडली के हिसाब से वो सही ना हो तो आप इसीलिए एक डिटेल वास्तु वाले एक्सपर्ट से बात करें और अपने जोन को उस हिसाब से ही कराएं सो so, दीदी एक बहुत बड़ा सवाल जो हर लेडी ऑफ द हाउस को होता है कि मेरी किचन कहाँ पर होनी चाहिए किस डायरेक्शन में होनी चाहिए और किचन में किन किन बातों का ध्यान रखें वाइल मेकिंग द किचन जी किचन जो है हमारी वास्तु के अकॉर्डिंग सबसे अच्छा रहेगा कि आगने कौन में हो कि घर में किसी भी तरह की कैश क्रंच कभी नहीं होगा यदि घर में जो है किचन साउथ ईस्ट की दिशा में होती है आगने कौन में होती है तो कभी भी घर के अंदर कैश क्रंच नहीं होता कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ इंतजाम चलता रहेगा लाइफ के अंदर दिशाओं में और में भी लोग बनाते हैं लेकिन सबसे ऑस्पिशियस और सबसे बेनिफिशियल हर एक पर्सन के लिए कि जो कभी कोई साइड इफेक्ट है ही नहीं साउथ साउथ तक कहीं भी किचन बनाई जा सकती है साउथ ईस्ट से साउथ तक साउथ तक बनानी चाहिए अगर लाइफ को इजी और फ्री फ्री करना है तो कि लाइफ में छोटे से पेबल्स भी आए तो हमारी लाइफ जो है स्मूथली चलती रहे साउथ की दिशा हमेशा और किन पाँच चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए किचन के अंदर जब आप वास्तु करते हैं स्टोव की डायरेक्शन है चाहे सिंक की है चाहे और क्या चार चीज़ें हैं आप जो ध्यान रखते हैं किचन के लिए जब भी हमारा बर्नर हो जिस पर लेडी खाना बना रही है पका रही है वो ईस्ट फेसिंग हो ईस्ट फेसिंग हो। तो बहुत और अच्छा रहता है और उसी दिशा में यदि हमारे जो और चीज़ें लगी हुई हैं हमारे यूटेंसिल्स लगे हुए हैं हमारा माइक्रोवेव लगा हुआ है हमारा ओटीजी लगा हुआ है वो भी हमारा आगने दिशा में ही होना चाहिए और जो बर्तन धोने का हमारा आजकल बहुत चल गया है डिश वॉशर वो लोग किचन में आगने कौन में लगाते थे लेकिन वो आगने कौन में नहीं हमारे घर के ईस्ट साउथ ईस्ट की दिशा जो मंथन की दिशा है वहाँ पर होना चाहिए क्योंकि ई डिश वॉशर के अंदर भी क्या हो रहा है मंथन ही तो हो रहा है बर्तन धुल रहे हैं पानी आ रहा है पानी जा रहा है तो वो मंथन की दिशा हमारी ईस्ट साउथ ईस्ट की दिशा है वहीं पर ही हमारे डिश वॉशर हमारा जो बर्तन यूटेंसिल्स होने का सिंक आप लगा रहे हैं तो वो भी हमारा ईस्ट साउथ ईस्ट दिशा में होना चाहिए तीसरा पॉइंट है कि ग्रेनाइट हमें अवॉइड करना चाहिए अच्छा क्योंकि ग्रेनाइट एक हार्ड स्टोन है और हार्ड स्टोन पे अगर खाना बनता है तो पेट की बीमारियां हो जाती हैं जो और, आज कैंसर इतना फैल रहा है हमारे इंडिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड से भी ज्यादा इंडिया में बहुत देखने में मिल रहा है क्यों है क्योंकि यहाँ पर सब किचन के अंदर ग्रेनाइट लगा रहे हैं okay. और वो बहुत हार्मफुल स्टोन है हमारे स्टमक एरिया को हमारे थ्रॉट एरिया को बहुत डिस्टर्ब कर देता है फोर्थ पॉइंट क्या लगाना चाहिए हमें सबसे सस्ता वाला सबसे अच्छे वाला और सबसे बेस्ट होता है बड़ौदा ग्रीन स्टोन ग्रीन कलर का पत्थर हमें किचन में लगाना चाहिए उसके दो तीन बेनिफिट पहले बेनिफिट है उसकी जब कोण में या साउथ ईस्ट में साउथ साउथ ईस्ट में साउथ की दिशा में जब भी हरा पत्थर लगाया जाएगा तो कभी भी कैश क्रंच नहीं होगा पैसे की समस्या कभी नहीं आएगी व्यापार के रोजगार के अवसर कहीं ना कहीं मिलते रहेंगे और सबसे अच्छी बात यह है कि उस घर में बीमारियां कम हो जाएंगी जो भी मेडिसिन के बॉक्सेस हैं वो अपने आप नलीफाई होते चले जाएंगे ये तो दीदी बहुत अच्छा काम कर दिया आपने सस्ता स्टोन भी लगवा दिया और कैश भी बढ़ गया लेकिन <laughs> लोग उसका उल्टा करते हैं आज बड़ी बड़ी कोठियाँ बड़े बड़े फ्लैट बड़े बड़े घर बन रहे हैं लेकिन सब जगह सब कुछ ठीक कर लेते हैं और किचन में ग्रेनाइट लगा देते हैं मल्टी कलर का लगा देते हैं लेकिन होता क्या है साल दो साल तीन साल जब तक पुण्य चल रहा है तब तक आदमी ठीक रहता है और जैसे ही उसका एनर्जी का प्रभाव शरीर पर आने लग जाता है बीमारियां बढ़ने लग जाती हैं शुगर डायबिटीज थायराइड कैंसर और बड़ी बीमारियां भी इसके कारण पैदा हो जाती हैं और पांचवा पॉइंट कि ब्लू कलर और ब्लैक कलर इस साउथ ईस्ट में साउथ साउथ ईस्ट में और साउथ में हम इसे अवॉइड करना चाहिए क्योंकि लोग ब्लैक कलर का ही फ्रिज लाएंगे ब्लैक कलर के, के माइक्रोवेव लाते हैं तो उसकी हमें रेमेडीज करके उसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है उस जोन में ही लगाएं जहां पर वो बाढ़ चाढ़ के अकॉर्डिंग ठीक आ रहा है और अच्छा तो भैया अब इसमें ना इंटीरियर्स का थोड़ा तड़का डालते हैं अब मैं तो इंटीरियर डिजाइनर हूँ अब अगर मैंने हरा स्टोन लगा दिया ग्रीन पूरी किचन में तो लोग तो लोग मेरे को देने आपने इतना अच्छा इंटीरियर तो कर दिया पर किचन इतनी खराब लग रही है तो इसका क्या समाधान होना चाहिए कि लुक भी अच्छा हो जाए और हमारा वास्तु भी फॉलो हो जाए इसका समाधान ये है देखो पहले तो सबसे अच्छी बात है कि बड़ौदा ग्रीन ही लगाना चाहिए लेकिन जनरेशन के हिसाब से लुकिंग के हिसाब से, से, और जैसी कोठी बनती है वैसे खर्चा भी होता है और खर्चा होता है तो आदमी को मज़ा भी आता है तो कम से कम जहाँ बर्नर वाला एरिया है हॉब वाला एरिया है उस जगह हम बड़ोदा ग्रीन लगा दें और बाकी एरिया में और दूसरा कोई ग्रीन पत्थर यूज़ कर सकते हैं तो भैया इसमें जैसे आजकल कल ग्रेनाइट के अलावा क्वार्ड पत्थर आ रहा है कोरियन आ रहा है इटालियन आ रहा है बहुत सारे टाइप के पत्थर हैं जनरली हम तो या तो ग्रेनाइट या क्वार्स ही सजेस्ट करते हैं तो उसके अंदर भी बहुत सारे कलर्स आते हैं वाइट ग्रे ग्रीन तो क्या उन कलर्स को यूज़ नहीं किया जा सकता नहीं करना चाहिए सिर्फ आपको ग्रीन फैमिली का कलर ग्रीन फैमिली या लाइट रेड फैमिली भी यूज कभी कभी किया जा सकता है लेकिन द बेस्ट कलर तो ग्रीन ही माना जाता है कुछ ना कुछ ग्रीन कलर के रेशे जरूर हो पत्थर में ठीक है इसमें आपने कहा कि दूसरे क्वार्ट्स हैं या ग्रेनाइट है तो चूल्हे के नीचे या बर्डनर के नीचे कभी भी ग्रेनाइट नहीं लगाना चाहिए वो बहुत हार्मफुल होता है फिजिकल भी मेंटल भी इमोशनल भी और सबसे बड़ा फाइनेंशियल भी उससे बचना चाहिए हमें ठीक है भैया अगली बार से ध्यान रखेंगे अपने लोगों को सजेस्ट करते वक्त सो दीदी एक सवाल आया जैसे अभी आपने डिश वॉशर की बात करी और आपने चूल्हे की बात करी तो इसी के साथ जैसे घर के अंदर वॉशिंग मशीन होती है तो क्या वॉशिंग एरिया भी कोई पर्टिकुलर जोन में ही होना चाहिए बिल्कुल उसके वॉशिंग मशीन क्या करती है देखिए क्लीनिंग कर रही है वो मर्च कर रही है और क्लीनिंग कर रही है गंदगी साफ कर रही है तो वास्तु के अकॉर्डिंग तीन दिशाएं हैं ऐसी जहां पर हम वॉशिंग मशीन रख सकते हैं डब्लू एन डब्ल्यू एस एस डब्ल्यू एंड ई एस सी ये तीनों दिशाएं हमारी ऐसी दिशाएं हैं जब यहाँ पर हम वॉशिंग मशीन रखते हैं तो जो भी हमारी लाइफ के बेफालतू के विचार हैं वो हमारी लाइफ में से चले जाते हैं जो नेगेटिव पीपल्स हैं हमारी लाइफ में वो हमारी लाइफ में से चले जाते हैं जो भी किसी भी तरह की कोई भी गंदगी कोई भी हमारे अंदर गंदे विकार कोई भी गंदी बैड हैबिट्स हमारी लाइफ में होती है वो भी चली जाती हैं और लेकिन हम देखते हैं लोग असकर, अक्सर क्या करते हैं ईस्ट फेसिंग है नॉर्थ फेसिंग है फ्रंट में ही हमारी वॉशिंग मशीन रखी होती है क्या होगा उससे नॉर्थ हमारी कुबेर की दिशा है पैसे की दिशा है अफसरों की दिशा है

या उसका इफेक्ट नहीं आ रहा हो या उसकी कोई रेमेडी ऑटोमेटिक नेचर के द्वारा हो रही हो लेकिन जब भी हम सही करें वास्तु से करें नया बनाएं या पुराने को ठीक करें तो हमें सिर्फ मशीन सबसे अच्छी जो 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 है वो ईस्ट साउथ ईस्ट तो वहीं रखनी चाहिए सो भैया अक्सर देखा गया है कि क्या कोई बेडरूम की आइडियल लोकेशन होती है और क्या उसमें भी बेड की जो प्लेसमेंट है उसका भी ध्यान रखना चाहिए बिल्कुल रखना चाहिए सबसे पहले तो जैसे हमने आपको शुरुआत में कहा कि कोई भी जब घर बनता है वो कुंडली के हिसाब से बनता है कुंडली के फोर्थ हाउस की जोन जहाँ होती है उसी दिशा में हमें अपना बेडरूम बनाना चाहिए कुछ लोग साउथ में बेडरूम बनाते हैं कुछ लोग साउथ वेस्ट में बनाते हैं कुछ वेस्ट में बनाते हैं बेस्ट साउथ में बनाते हैं बेडरूम बहुत सारी जोन में बनाया जा सकता है डिपेंड करता है इस समय आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और हस्बैंड वाइफ की दोनों की कुंडली के हिसाब से कौन सी जोन अच्छी आ रही है क्योंकि एक बेड पर दोनों हस्बैंड वाइफ को सोना है तो उन दोनों का ऑस्पिशियस निकालेंगे okay. कि दोनों के लिए ही वो जो जोन अच्छी होनी चाहिए जिससे उनकी लाइफ में ग्रोथ हो वो बैलेंस रहे हमेशा ऐसा हमने बहुत सारी बार देखा पंद्रह साल में बहुत सारे केस बिगड़ते देखे और एक वास्तु कंसल्टेंट को लोग तभी याद करते हैं जब घरों में परेशानी पैदा हो जाती है साउथ वेस्ट में बेडरूम होने के बाद भी लोगों का डाइवर्स हो जाता है बीस बीस साल साथ रहने के बाद भी वो अलग हो जाते हैं तो इसका मतलब साउथ वेस्ट एक आइडल जोन तो नहीं हुई अब उनकी कुंडली के एनालाइज करने से देखा गया कि एक वो की वो फोर्थ ट्वेल्थ हाउस की जॉन होती है एक ही एटथ हाउस की जॉन है कि जीवन भर उन्होंने लड़ते झड़क करते परेशानी होते हुए दुख तकलीफ पाते हुए पेन लेते हुए निकाल दिए और अंत में जब वो पेन इतना एंडलेस हो गया बर्दाश्त से बाहर हो गया और वो सेपरेट हो गए बड़ी मुश्किल काम हो जाता है ऐसी भी बहुत सारी बार देखा कि जब बच्चों न्यू कपल होता है कंसीविंग प्रॉब्लम आती है तो कंसीविंग प्रॉब्लम आती है तो अगर उस कपल को लेकिन अगर वो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट भी जॉन हो गई तो भी मुश्किल काम हो जाएगा तो ऐसा एक एक नहीं एक फॉर्मूला कोई भी नहीं हो सकता कि आपको साउथ वेस्ट में ही बेडरूम बनाना है साउथ ईस्ट में ही बनाना है साउथ ईस्ट में, में बेडरूम अच्छा होता है साउथ में बेडरूम भी अच्छा होता है साउथ साउथ वेस्ट में भी अच्छा करना है अपना और उसकी साउथ की दिशा उसके बार चार्ट के हिसाब से भी और उसकी कुंडली के हिसाब से भी बहुत अच्छी है तो वो साउथ में सोएगा तो उसका काम भी बहुत ग्रोथ करेगा और उसका लाइफ में नेम फेम भी होगा अब किसी के अंदर एनर्जी ही नहीं है काम करने की और उसको हम साउथ साउथ ईस्ट का बेडरूम में सुलाते हैं और जो उनके कुंडली के हिसाब से बहुत ऑस्फिशियस है वो दिशा तो वहाँ पर उनके अंदर काम करने की एनर्जी आ जाती है जो उनकी लाइफ में थकावट रहती थी सारे दिन वो थक जाते थे सुबह उठे हैं तब भी थकावट है लेकिन वो जब उस दिशा में सो रहे हैं छः घंटे भी सो रहे हैं तो वो उस जोन को एनहांस कर रही है उनकी एनर्जी को एनहांस कर रही है

तो मुझे कहाँ वही दवाई वही टेस्ट कराना चाहिए तो ऐसे ही जब सामने वाला बताता है कि मेरे घर में ये प्रॉब्लम है तो हमें उसके बेडरूम को वहाँ शिफ्ट कर दें या उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं हम पहले ही अपना चार्ट ले लेते हैं अपनी कॉपी पे लिखते हैं कि उसको क्या क्या चाहिए जब वो हमसे घर बनवा रहा है अपना या हमसे अपना विला बनवा है उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी अपना बिजनेस कर रहा है वो अपनी लाइफ में सेटल हो चुका है अपने बच्चों को उसको सेटल करना है हर एक इंसान की अपनी अपनी लाइबिलिटीज़ हैं अपनी अपनी डिजायर्स हैं वो सारे क्वेश्चन पूछकर फिर उसको हम समराइज करके उनका बेडरूम चूज करते हैं कि आपके लिए कौन सा अच्छा रहेगा आपके बच्चों के लिए कौन सा अच्छा रहेगा आपके फादर मदर के लिए कौन सा अच्छा रहेगा लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट बात यही है कि बिना कुंडली को दिखाए हुए कभी भी वास्तु नहीं हो सकता okay. तो ये बेस लाइनिंग है हमेशा ऐसे ही करना ऐसा ही करना होता है जो ऑथेंटिक है और हमने इसी फॉर्मूले को यूज किया सबसे पहले हमने कुंडली को देखा फिर हमने वास्तु किया फिर उसको अध्यात्म से जोड़ा इसलिए हम भी भक्ता को इसमें हर चीज का उपयोग करते हैं नहीं

ये एक ऐसी जोन है जहाँ पर हम बच्चा सोए भी और जहाँ पर बच्चा बैठकर पढ़े भी तो उसका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है और और ये सबसे अच्छी बात है कि ये हर एक बच्चा यहाँ पर रख सकता है उसको हमें उसी कुंडली को देखने की ज़रूरत नहीं है ये अपने आप में एक ऐसी एनर्जाइज दिशा है हमारी कि जहाँ पर हम फेल हो रहा है जो बच्चा पढ़ नहीं रहा है अच्छे से अच्छे से काम नहीं कर रहा है उसको भी वहाँ पर रख देंगे उसको भी वहाँ पर प्लेस कर देते हैं बच्चे का रूम है ये यहाँ बच्चा बैठ पढ़ रहा है मेरा तो उसके अंदर वो चीज़ें एनहांस होने लग जाती हैं तो अगर भैया किसी के घर में वेस्ट साउथ वेस्ट जोन ही नहीं है और वहाँ पर बेडरूम की व्यवस्था ही नहीं बन पा रही तो क्या करेंगे हाँ ऐसा नहीं कर सकते वेस्ट साउथ वेस्ट जोन नहीं है हाँ बेडरूम नहीं हो सकता ये बात हो सकती है कुछ नहीं करें इतना तो कर लें कि बच्चे की किताबों को वहाँ जाकर रख दें अच्छा बच्चे की सारी जो स्टडी का मेटेरियल है उसको एक पेन ड्राइव में डाउनलोड कर दें उस पेन ड्राइव को वहाँ रख दें बच्चों की बिलोंगिंग्स को वहाँ पर रख दें ओके तो ज़रूर काम करेंगे और रिजल्ट करके देखें आप ट्राई करके देखें कोई भी जो भी आप इस वीडियो को देखने सुन रहे हैं

भैया हमने अभी तक घर की बात कर ली एंट्रेंस की बात कर ली किचन की बात कर ली बेडरूम्स की बात कर ली अब बाथरूम्स की बात करते हैं तो घर में बाथरूम्स के लिए क्या आइडल जोन है उनकी प्लेसमेंट्स के लिए क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और लोग हमारे जो ऑडियंस देख रही है इन वीडियो को उनके लिए क्या टिप्स हैं उनको क्या पूर्व गलतियाँ ना करें अपने बाथरूम्स में साउथ साउथ वेस्ट और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट इन तीनों जोन में हम बाथरूम बना सकते हैं WC लगा सकते हैं। बाथरूम आगे पीछे भी भी हो जाए तो भी चल जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान रखना ऐसा वेस्ट, वेस्ट तो कहीं कुछ किताबों में कहीं किसी इस बात का वर्णन कहीं नहीं आया लेकिन प्लेसमेंट सीट की सही जगह पर होनी चाहिए दूसरा क्वेश्चन आपने किया रखना चाहिए बाथरूम में बाथरूम में बाथरूम की चीजें रखती है कुछ लोग टीवी लगा देते हैं म्यूजिक सिस्टम लगा देते हैं बहुत सारे लोग बुक्स देखते हैं बुक्स पढ़ते बुक्स हैं।, हैं।, न्यूस्टेपर 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 रखते हैं हैं आजकल पढ़ते अंदर रखते जब न्यूज पेपर हुई बुक्स हो गई या म्यूजिक सिस्टम हो गया तीनों ही मरकरी की चीजें हैं अगर और जो बाथरूम माना जाता है अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी राहु का स्थान माना जाता है और राहु अगर राहु के स्थान पर अगर बुध का प्लेसमेंट हो जाए तो बुध खराब हो जाता है और व्यापार खराब हो जाता है लोग बाथरूम में जाते हैं फोन देखते हैं अखबार पढ़ते हैं और भैया पांच ऐसी तो बताए पहले तो बता दिया कि मोबाइल फोन कभी भी बाथरूम में यूज नहीं करना चाहिए बाथरूम कभी भी गीला नहीं रहना चाहिए हमेशा यूज करने के बाद उसको ड्राई जरूर करिए वहां पर एक फैन इस तरह का हमेशा रखें कि आपने आपने नहाकर आ गई हैं

प्लांट छोटे मोटे छोटे प्लांट जो फ्रेग्रेंस होल्डर्स आते हैं वो भी हम ईस्ट साउथ ईस्ट वाले वॉशरूम में लगा सकते हैं लगा सकते हैं लेकिन वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट और साउथ साउथ वेस्ट, वेस्ट में अवॉइड करना चाहिए वो बहुत अच्छा तो गाइज जो आप हमारी ऑडियंस है जो आप ये देख रहे हैं जो वीडियो देख रहे हैं तो आपने देखा कि बाथरूम के अंदर भी कितनी सारी चीज़ों का ध्यान रखने की जरूरत होती है और मैं बोलूँगा आप इस वीडियो को दोबारा से ध्यान से देखिए कोई चीज़ें मिस हो गई हैं और भैया का नंबर मैं इस वीडियो में भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में ज़रूर कॉल करके आप उनसे चर्चा भी कर सकते हैं सो भैया अब घर में प्लॉट में कोई काम करता है या फ्लैट्स में कोई काम करता है तो लाइट और सनलाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है तो क्या इसका भी वास्तु में हमें ध्यान रखना चाहिए कि कहाँ से सनलाइट आए और हमें किस तरीके के जोन को लाइट अप करना चाहिए किस तरीके के जोन को खुला रखना चाहिए क्या इसके बारे में भी ध्यान रखना चाहिए बिल्कुल जी बिल्कुल हमारी लाइफ में जो भी लाइट है लाइट क्या करती है हमारी लाइफ को एक पात प्रदर्शक की तरह काम कर है जिस पर हम चल रहे हैं वो लाइट ही है तो हमारे घर में भी वास्तु में भी नॉर्थ और ईस्ट फेसिंग जो हमारा यदि घर होता है तो लाइट अच्छी आती है वहाँ से और हमारे लिए ऑस्फिशियस भी रहती है साउथ फेसिंग घर है तो सूरज की एनर्जी तो बहुत अच्छी आएगी लेकिन वहाँ की साउथ की जो लाइट है वो हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं है तो इसलिए नॉर्थ और ईस्ट फेसिंग घर है तो वहाँ पर हमें बड़े डोर्स वहाँ पर इस तरह की विंडोज हमें देनी चाहिए कि जिससे कि वहाँ की लाइट हमारे घर में एंटर करे और नॉर्थ और ईस्ट की तरफ के जो विंडोज हैं दरवाजे हैं वो हम चौबीस घंटे भी खोल के रख सकते हैं उनकी हवा पानी बहुत अच्छी होती है लेकिन साउथ वेस्ट और साउथ की तरफ के दरवाजे या खिड़ खिड़कियाँ ऐसा माना जाता है वास्तु के अनुसार कि बारह बजे के बाद बंद कर देनी चाहिए या कटेंट डाल देनी चाहिए उनके ऊपर हर दिन जब जो सन ऊपर बारह बजे आ जाता है तो उसके बाद आप इसको बंद कर दीजिए जी वेरी गुड ओके भैया आज हम इक्कीसवीं सदी में हैं और यहाँ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्टोरेज तो घर तो छोटे हो गए और सामान रखने की जगह सबको बड़ी चाहिए तो घर को क्लटर फ्री बनाने के लिए क्या आपके टिप्स हैं और क्या आप रिकमेंड करोगे लोगों को देखिए सबसे पहले तो मेरा सबसे पहला जो मेरा पॉइंट रहेगा वो यही रहेगा कि जो भी गिफ्ट्स आपके घर में आ रहे हैं आपको लग रहा है कि वो आपके लिए यूजलेस हैं कोई काम नहीं आ रहे हैं तो उसको स्टोरेज में मत क्रिएट करिए उसको तुरंत ही आने जाने वाले जो भी आपके फ्रेंड्स आ रहे रिलेटिव आ रहे हैं उनको आगे फॉरवर्ड कर दीजिए या जिसको उसकी जरूरत हो उस व्यक्ति को दे दें दान कर दें गिफ्ट कर दें या कुछ भी कर सकते हैं लेकिन घर में अनावश्यक स्टोरेज बनाकर नहीं रखें ओके okay. तो भैया आप जैसे कई बार ही सामान आ जाता है घर में और आप खुद भी ले आते हैं मॉल जाते हैं तो कुछ सामान खरीद लिए कई बार अनचार में भी सामान आ जाता है तो उस टेंडेंसी को रोकने के लिए क्या करें और आ जाए तो उसके बाद उसको यूटिलाइज कैसे करें देखो सबसे बड़ी समस्या आज यही है और पंद्रह सालों में हमने सबसे बड़ी समस्या यही देखी घरों में कि दिवाली के बाद अक्सर घरों में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं समस्याएँ आ जाती हैं रीज़न उसका एक ही है कि लोग बाजार की प्रतिस्पर्धा में बाज़ार की दिखावट में बाजार की रौनक में ऐसा ऐसा सामान परचेज कर लेते हैं जो घर में हमारे किसी काम का नहीं होता अनावश्यक होता है या दो दिन चार दिन काम आने वाला होता है सामान तो हम बाजार से परचेज कर रहे अब घर में उसको प्लेसमेंट कहीं ना कहीं कर देते हैं अब कोई फाउंटेन ही ले आई बाजार से जो जिसकी घर में आवश्यकता नहीं थी और हमने घर में जगह नहीं मिली हमने वो फायर जोन में लगा दिया क्या हो जाएगा कैश लिक्विडिटी धीरे धीरे कम होती चल जाएगी उसी फाउंटेन को हमने साउथ वेस्ट जोन में लगा रिलेशनशिप जोन में लगा दिया क्या होगा रिलेशनशिप धीरे धीरे ब्रेक होते चले जाएंगे तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो अनावश्यक परचेज कर ली जाती हैं और वो घर में बीमारी समस्या कर्जा या किसी और दूसरी भी कारण प्रॉब्लम का कारण बन जाती हैं तो हमें उन सामान से उन चीज़ों से बचना चाहिए अनावश्यक परचेज नहीं करें जितना ज़रूरत हो उतना ही खरीदें क्या होगा देखिए यदि आपके घर में किसी भी तरह की बेफालतू की चीजें नहीं है हमारे घर में क्या है सारे तत्व है पांचों तत्व विद्यमान है जब आपके घर में बेफालतू का सामान नहीं तो सारी जगह आपके एयर एलिमेंट अच्छे से रोटेट कर रहा है और आप खुद भी देखेंगे आप उस घर में कितने अच्छे से मूव कर सकते हैं जी। तो जब आप उस घर में अच्छे से चल पा रहे हैं तो आपकी लाइफ भी तो आप अच्छे से अपग्रेड करेंगे ना अपलिफ्ट करेंगे ना लिफ्ट की तरह यदि हम खुद ही उस घर में अच्छे से नहीं चल पा रहे हैं हमें हर जगह दिख रहा है सामान हर जगह हमने बहुत सारी चीजें हैंग्स कर दी हैं

जो जितना है उसको ही पुराना सामान हटा दो कुछ नया ले आओ कोई मना थोड़ी है इवन हम तो लेडीज को बोलती हूँ जब भी वास्तु करने जाती हूँ सारे क्लोथ रख रखे हैं उन्होंने सो सो जोड़ी मैं कहती हूँ ये काम कब पहने थे आपने वो कहती है, दस साल बाद पहले, पहले पहने थे तो आज आपको लगता है आप उनको पहनोगे नहीं पहनेंगे तो उसको दे दो ना किसी को जो कपड़े जो जूते चप्पल जो चीजें जो दस साल दो साल छह महीने से काम नहीं आई तो अभी भी आगे भी कभी काम आने वाली नहीं है

सेल्फिश हो होते घर में दी दस लोग भी रह रहे हैं तो उनको लगता है कि सिर्फ मैं आई एम इम्पोर्टेंट और यही फीलिंग्स गलत है हमारे समाज के लिए हमारे परिवार के लिए तो लेटर घर को रखना है तो अनावश्यक सामान की खरीदारी से बचना चाहिए अनावश्यक गिफ्ट आते हैं उनसे बचना चाहिए ज्यादा लेन देन नहीं करें जो जरूरत का चीज हो वो आपस में एक दूसरे को दे तो घर क्लेटर फ्री अपने आप ही रहेगा और हैप्पी हेल्दी है, लाइफ रहेगी ये बहुत अच्छा रहा तो मुझे लगता है इस वीडियो का मंत्र और इस टिप का मंत्र भी यही है हैव अ अ हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ बाय बीइंग फ्री सो भैया आजकल ना ये कॉमन सा नोशन बन गया है लोगों ने गूगल पे पढ़ के देख के कुछ 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 देख के मंदिर की लोकेशन ना लोगों के दिमाग में एक ही हो गई है आज तो बहुत सारे लोग मेरे पास इंटीरियर्स कराने आते हैं आर्किटेक्चुरल प्लान्स बनवाने आते हैं घर का नक्शा बनवाने आते हैं तो बोलते हैं यार अर्शांग मेरे को तो नॉर्थ ईस्ट में ही मंदिर चाहिए भले ही नॉर्थ ईस्ट में जगह है नहीं है तो क्या ये सही है मंदिर की एक डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट ठीक है या फिर मंदिर की क्या डायरेक्शन होनी चाहिए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन मंदिर के लिए हंड्रेड परसेंट रॉन्ग है नॉर्थ ईस्ट में ध्यान केंद्र बना सकते हैं साधना का केंद्र बना सकते हैं लेकिन हमें किसी आइडल को स्थापित करना मंदिर बनाना लकड़ी का पत्थर का ऐसा कहीं भी किसी ग्रंथ में किसी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बनाना सबसे मुश्किल काम है और वो एक प्रॉब्लम का कारण भी बनता है तो नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बनाने के लिए मैंने कभी किसी को रिकमेंड नहीं किया कि आपको नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बनाना चाहिए हमारे पास ही लोग आते हैं जबरदस्ती करते हैं नहीं और कुछ भी सब बात की बात आपकी कर लेंगे हम लेकिन मंदिर तो हम नॉर्थ ईस्ट में ही बनाएंगे ये बहुत ही एक सेंसिटिव जोन है नॉर्थ ईस्ट हमारा ब्रेन है वो भी वास्तु पुरुष का ब्रेन है

इन आने वाली वाले हैं वो हमें वहां से अर्चना का कोई कहीं भी नहीं लिखा हुआ मंदिर के लिए सबसे बेस्ट जो आइडल जोन है, वो है अलग अलग जोन बताई गई हैं। लेकिन एक कॉमन अदर मंदिर बनाना है तो वेस्ट जोन में सबसे अच्छा आप बड़ा मंदिर बना सकते हैं पत्थर का मंदिर बना सकते हैं स्टेचू भी रख सकते हैं लेकिन फिर भी घर में कम मूर्तियां छोटा मंदिर क्लेटर फ्री मंदिर ऐसा नहीं कि मंदिर में लोग बहुत सारे मंदिरों में बहुत सारे लोग घर जाते हैं तो ऐसा लगता है कि मंदिर कम लगता है कोई स्टोर ज्यादा लगता है वो भगवान जी एक के ऊपर एक बैठे हैं एक मूर्ति एक गणेश जी की है उसके आगे लक्ष्मी जी की है उसके आगे विष्णु जी बैठ गए उसके शंकर जी बैठ गए सारी मूर्तियों को भर देते हैं ऐसा नहीं

पुरानी चीजें पुराने नारियल रखे हैं इधर दस साल के गंगा जल के पात्र रखे हैं धूमी भभूतियाँ पता नहीं लोग क्या क्या भर देते हैं तो हमें मंदिर जब मंदिर में ऐसा जगह होनी चाहिए मंदिर कैसी ऐसी प्लेस है जहाँ आप और आपके ईश्वर के बीच में आपके परमात्मा के बीच में कोई रुकावट नहीं हो आप वहां बैठें और उससे कनेक्ट हो जाएं और आपको इंसाइट आने लग जाए तो भैया ये तो बहुत सारे मिसकनसेप्शन थे लोगों के दिमाग में बहुत सारे थे जो आपने आज ब्रेक कर दिया मंदिर को लेके मुझे लगता है ये तो काफी बड़ा एक सेंसिटिव टाइप्स हो जाएगा और बहुत सारे लोगों के मेरे को लगता है नोशन टूट जाएंगे जी और मैं अपनी बात नहीं कर रहा लेकिन कोई भी अच्छा वास्तुकार नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बनाने की कभी सलाह नहीं देगा ऐसा मेरा भरोसा है बहुत बढ़िया तो गाइज ये आप लोगों के सामने है तो आपको अब बिफोर मेकिंग द न्यू हाउस तो हमेशा एक अच्छे वास्तुकार को पूछना है और अपने मंदिर के डायरेक्शंस के बारे में अपनी कुंडली से मैच कराते हुए ज़रूर चेक करना है सो तो भैया आजकल ना फाउंटेंस का ज़माना है तो कई लोग फाउटर फाउंटेन लगाना चाहते हैं मेरे पास आते हैं डिज़ाइन करते वक्त कोई वाटरफॉल बनाना चाहता है कोई मशरूम फाउंटेन लगाना चाहता है तो क्या फ़ाउंटेन्स घर में लगाने चाहिए और लगाने चाहिए तो कहाँ पर बहुत अच्छा सवाल है ये और फाउंटेन घर में लगा सकते हैं कोई बुराई नहीं है कोई तकलीफ नहीं है लेकिन रिक्वायरमेंट हो हमारी तब पहली बात तो फाउंटेन हमें नॉर्थ ईस्ट जोन में लगाना चाहिए बस इतना ही काफी है कि नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट जोन के अलावा कहीं भी फाउंटेन लगाना बहुत अच्छा नहीं है या सेकंड ऑप्शन पे आते हैं तो नॉर्थ में हम फाउंटेन लगा सकते हैं और इस दूसरी सी जोन कोई भी फाउंटेन के लिए नहीं आती लेकिन आज मिथक बना हुआ है कि नॉर्थ ईस्ट में फाउंटेन लगा दो बड़े बड़े

आएगा भगवान की तरफ से किस्मत में कर्म में जितना है उतना ही आना है लेकिन वो सारे दिन बस एक टायर पे आज यहां जा रहा हूं आज वहां जा रहा हूं क्यों एक फाउंटेन पैसा, पैसा, पैसा उस ने उसकी दिया जो पैसा आना है वो तो अपनी किस्मत से जितना तो आप काम करें उतना ही आना है लेकिन डिजायर ज्यादा पैदा होने के कारण मन की जो शांति है वो भंग हो जाती है इसलिए अनावश्यक फाउंटेन लगाने से बचना चाहिए लेकिन छोटे छोटे फाउंटेन नॉर्थ में और नॉर्थ में लगाना बहुत अच्छा है लाइट वेटेड सो so, दीदी मैं इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ जैसे कि आप जानते हैं तो हमारे यहाँ ना काफ़ी लोग आते हैं जो कहते हैं कि हमें पेंटिंग्स लगानी है घर में आर्ट वर्क लगाना है स्कल्पचर्स लगाने हैं तो क्या पेंटिंग्स लगानी ठीक है और किस तरीके की पेंटिंग कहाँ लगानी चाहिए देखिए हम यदि अपने घर के वास्तु में कोई भी चीज़ प्लेस कर रहे हैं तो वो क्या कर रही है हमारे यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बना रही है वो इनडायरेक्टली तो यूनिवर्स को मैसेज दे रही है कि मुझे क्या चाहिए अब हम कहीं बार बहुत सारे लोगों के यहाँ जाते हैं वो बेफालतू की लड़कियाँ लगाए रखते हैं अपने घर में बहुत सारे कृष्ण भगवान के स्टैचूज लगाए रखते हैं बहुत सारी उल्टी सीधी जिसे कह सकते हैं कि महाभारत महा की पेंटिंग्स लगाए रखते हैं दो लोग आपस में फाइट कर रहे हैं कोई मतलब जिसका हमें ये देखने मात्र से हमें एक अच्छा फील नहीं आ रहा हमें एक पीस नहीं मिल रहा हमें एक हैप्पीनेस नहीं मिल रही तो इस तरह की कोई भी स्कल्पचर्स कोई भी पेंटिंग्स हमें अपने घर में नहीं लगाने चाहिए जो देखने पर मुझे शांति मिल रही है जिसका कोई पर्पज़ है जो कुछ बता रही है मुझे इनडायरेक्टली और वो भी मैसेज कह दे रही है एक बहुत अच्छा मैसेज दे रही है तो हमें उसको लगा सकते हैं अभी हमने एक, एक वास्तु की विजिट करने गए वहाँ पर उन्होंने हमने देखा एक बच्ची के रूम में बहुत सारे लोग आपस में लड़ रहे हैं झगड़ रहे हैं कोई खून से तब लदबदा आदमी जमीन पे पड़ा है इस तरह की उन्होंने फोटो बच्चे के घर रूम में प्लेस कर दी उसके थर्ड डे ही बच्चे का पैर का फ्रैक्चर हो जाता है और वह तीन महीने हो गए उसको कोई अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिला प्लास्टर हो रहा है वो जो भी हुए सोचो बारह साल पंद्रह साल के बच्चे के दोनों पैर एक साथ फ्रैक्चर होना मुश्किल और बच्चे तो वैसे तो तो होते हैं कि गरीब दो चार बार गिर जाते हैं तो भी कुछ नहीं बिगड़ता उनकी सिर्फ हमने वो पेंटिंग रिमूव कराई अब डॉक्टर भी उनको अच्छा मिल गया वो जो हड्डी जो जुड़ नहीं रही थी जो डॉक्टर कह रहा था कि फिफ्टीन डेज में जुड़ जाती है इसकी नहीं जुड़ रही है पता नहीं क्यों अब वो भी अच्छा उसका रिकवरी की तरफ जाने लगे रिकवरी की तरफ जाने लगे तो हमें युद्ध की फोटो लड़ते हुए लोगों की पोचो भागते हुए घोड़े की फोटो ऐसी पेंटिंग से बचना चाहिए या जिनके सर कटा हो हाफ फेस हो जिनका उन पेंटिंग से हमें बचना चाहिए आधे कटे हुए हाथ नहीं है किसी का पैर नहीं है किसी का सिर नहीं है इस तरह की कोई भी हमें पिक्चर्स कोई भी स्टैचूज अपने घर में जो नहीं पेंटिंग है पेंटिंग वो तो है जो हम देखते हैं वो हमारे अंदर डाउनलोड होने लग जाता है हम ईश्वर को देखते हैं तो हम ईश्वर के गुना ले जाते हैं हम किसी गर्ल्स को किसी हीरो हीरोइन को देखते हैं हम क्रिकेट वाले को देखते हैं तो वही चीजें हमारे अंदर डाउनलोड हो है जाती हैं तो जो हमारे अंदर डाउनलोड करना चाहते हैं जो हम पाना चाहते हैं पेंटिंग तो सिर्फ वही लगानी चाहिए जो आप पाना चाहते हैं वो, वो लगा दो वो आपने यूनिवर्स को इंडायरेक्टली मैसेज दे दिया

जिसे पाना चाहते हो उसे देखना प्रारंभ कर दो क्योंकि तुम उसे ही पा सकते हो जिसे तुम देख सकते हो आजकल ना दीदी बहुत ज्यादा बीमारियां फैल रही हैं और आप जैसे कि जानते ही हैं इंडिया में कैंसर बीपी तो आज एक नॉर्मल सी बात हो गई तो क्या इसका रिलेशन भी वास्तु के साथ है हंड्रेड परसेंट कुछ केसों में हमने ऐसे देखा कि कुछ बीमारी वंशानुगत एडिटि की प्रॉब्लम होती है वो अलग बात है लेकिन 99% समस्याएं हमारी कुंडली और वास्तु से ही जनरेट होती हैं जैसे आपने कहा शुगर और बीपी की समस्या की बात करी अगर ईद साउथ ईस्ट में किसी का चूल्हा रखा हो और वहां उनका खाना बन रहा हो तो ऐसे लोगों को 99% केसों में हमने ऐसा देखा शुगर और बीपी उन्हीं के घरों में मिलता है हाँ एक फैक्टर है कोई सत्तर प्लस अस्सी प्लस हो गया बॉडी में कोई और दिक्कतें आ गई वो अलग मैटर है लेकिन एक

और उसमें जो पेशेंट हमने हील किए या ठीक किए या लाइफ एक्सटेंड किए वो जब जो या जो भक्तामर स्रोत के माध्यम से जो लोग ठीक हुए तो हमने हमने तीन प्रोसेस यूज किए सबसे पहले हमारे पास जो पेशेंट आई हमने उनकी कुंडली देखी कुंडली का छः आठ बारवा भाव या शनि राहू की युति शनि राहू की दृष्टि एक तय करती है डिसाइड करती है कि किस व्यक्ति को कैंसर होगा किसको नहीं होगा अगर समय रहते हुए उस व्यक्ति की कुंडली का निदान उपचार कर लिया जाए तो कुछ हद हाँ तक राहत मिल जाती है कुंडली के बाद उस व्यक्ति के घर में निश्चित रूप से ही नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम दिखी जाती है इसलिए हमने आपको पहले वीडियो में बताया कि नॉर्थ ईस्ट में मंदिर कभी नहीं रखना चाहिए और इन पंद्रह सालों में अस्सी परसेंट केसों में हमने ऐसा देखा कि जिन घरों में कैंसर मिला उन घरों में नॉर्थ ईस्ट में शौचालय किचन किचन या बेडरूम या स्टोरेज मिली अस्सी परसेंट ग्रोह में बीस परसेंट केसों तो में और दूसरी समस्याएं थी किसी किसके वेस्ट में टॉयलेट था किसी के साउथ वेस्ट में टॉयलेट था क्योंकि बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में जो कैंसर की प्रॉब्लम होती है या अलग अलग बीमारी की प्रॉब्लम होती है वो पूरे वास्तु के अलग अलग जैसे वास्तु पुरुष लेटा हुआ है तो उसी हिसाब से होती है लेकिन एक कैंसर जैसी प्रॉब्लम पर हमने जो रिसर्च कर शोध किया उसमें हमने ये मिला कि अस्सी परसेंट कैंसर नॉर्थ ईस्ट खराब होने के कारण होता है तो हमें नॉर्थ ईस्ट को क्लेटर फ्री रखना सबसे ज्यादा जरूरी है किचन साउथ ईस्ट में अग्निकोन में होना चाहिए घर का मुख्य द्वार क्लेटर फ्री होना चाहिए कूड़ा कचरा डस्टबिन घर के गेट के सामने कभी नहीं रखना चाहिए जूते चप्पल फैलाकर नहीं रखने चाहिए पश्चिम दिशा में वेस्ट दिशा में भी टॉयलेट होता है तो ऐसा भी बहुत सारे केसों में हमने देखा कि उन लोगों को चेस्ट की प्रॉब्लम हुई चेस्ट कैंसर हुआ या लंग्स प्रॉब्लम हुई तो वो भी हमने बहुत देखा तो उन चीज़ों से बचा चाहिए बाकी तो बीमारियों के लिए बहुत अलग अलग ऑप्शन है तो हमने दूसरा काम किया वास्तु को ठीक किया पहले कुंडली को उपाय करिए फिर वास्तु को ठीक किया और तीसरा जो काम किया हमने भक्तामर श्रोध उनको पढ़ने के लिए दिया हमने रेखी के माध्यम से भक्तामर श्रोत के माध्यम से उनकी हीलिंग करी अधिकतर केसों में हमें सफलता मिल जाती है फर्स्ट सेकंड, थर्ड स्टेज तक कैंसर में सफलता मिल जाती है फोर्थ स्टेज में कभी कभी ऐसा कह सकते हैं कि हम उनको नहीं हील कर पाए नहीं ठीक कर पाए लेकिन फिर Peaceful भी हमने। हाँ फिर भी हमने ऐसा देखा कि अगर कुंडली को उपाय कर लिए जाए तो कुंडली को उपाय करने का मतलब है कि पास्ट लाइफ के जो हमारे कर्मास थे या जो हमारा जो हमारा लोन था था वो हमने नलीफाई कर दिया उसके बाद हमने वास्तु को बैलेंस कर दिया और जब हम आध्यात्मिक ऊर्जा से जुड़े परमात्मा जुड़े अपने ईश्वर परमात्मा जुड़े और भक्त हम इसको तो पढ़ना प्रारंभ किया और नया पुण्य बढ़ाना चालू किया तो बहुत से ऐसे केस रहे कि जिनको हम नहीं बचा पाए बहुत से ऐसे मरीज रहे कि जिनको हम नहीं बचा पाए लेकिन उनकी दो चीज अच्छी हुई कि लाइफ और क्वालिटी अच्छी हो गई कि जितना जीवन उन्होंने जिया पंद्रह दिन बीस दिन एक महीने दो महीने चार महीने छह महीने वो जर्नी उनकी अच्छी रही और जो डेथ हुई वो पीसफुल हुई उनको पेन कम हुआ उनको तकलीफ कम हुई उनको कीमो और बाकी चीज़ें लेने के बाद साइड इफेक्ट कम आए तो ये काम अगर तीनों चीज़ों को किया जाए लेकिन हमने कभी किसी को ये नहीं कहा कि आप डॉक्टरी ट्रीटमेंट नहीं लें आप उंगली को उपाय करें आपको अच्छे डॉक्टर मिलेगा आप वास्तु को ठीक करें आपकी दवाई लगने लगेगी आप भक्तामर स्रोत का पाठ करें या आपके पास जो भी मंत्र है आप जिस धर्म को मानते हैं जिस ईश्वर परमात्मा मानते हैं उसके मंत्रों का पाठ करें तो आप आध्यात्मिक ऊर्जा से कनेक्ट हो जाएंगे आपकी विल पावर बढ़ जाएगी आपकी सहन सकने की शक्ति बढ़ जाएगी और एक ही और भक्त हमने करते हैं या सामने वाला अपने आप अपनी कर सकता है अगर कोई जानता है तो निश्चित ही बीमारियों में आराम मिलता है हमें इन सब चीजों को एक साथ कंबाइंड करके ही यूज करना चाहिए लेकिन कभी डॉक्टर जो दवाई बता रहा है जिसका जो तो ट्रीटमेंट है जिसका जो काम है वो करना चाहिए ऐसा नहीं कि तो वास्तु कुंडली भक्तांबर स्रोत और रेकी ये सारे चीजों को मिक्सर से ही इस पूरे डिजीज के सर्कल का ट्रीटमेंट हो सकता है देखो आज के युग में आप देखते हो कि पूरे वर्ल्ड वाइड अगर कहीं वार होता है कहीं लड़ाई होती है कहीं मददी आती है कहीं तेजी आती है कहीं सरकार बदलती है तो पूरे वर्ल्ड पर इफेक्ट होता है ग्लोबल क्राइसिस होती है क्राइसिस हो आ जाता है ग्लोबल चीजें चेंज हो जाती हैं तो ऐसा है कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो रिकी हीलिंग हो वक्तामर हीलिंग हो वो प्राणिक हीलिंग हो वो कुंडली हो वो वास्तु हो वो डॉक्टर की थेरेपियाँ हो सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं अब किस व्यक्ति को किस, किस चीज से ज्यादा फायदे मिलने वाला है ये ये हम आप डिसाइड डिसाइड नहीं करते ईश्वर परमात्मा डिसाइड करता है लेकिन अगर सभी चीज़ों का मिश्रण बनाकर हमें सब चीजों को यूज कर लें जितना जितना थोड़ा थोड़ा जितना ऐसे अति भी नहीं करें कि हम डॉक्टर की दवाई दवाई खाए जा रहे हैं भगवान को तो हम भूल गए हम वास्तु खराब कर रखा है हमने नॉर्थ ईस्ट ब्लॉक कर रखा है नॉर्थ ईट टॉयलेट है और फिर इलाज कराने जा रहे हैं तो इलाज नहीं होगा कुंडली के भावों का उपाय नहीं किया कुंडली के निजी ग्रहों का उपाय हमने नहीं किया दशाएं कौन सी चल रही थी अंतरदशा कौन सी चल रही थी कुंडली की दशाएं कौन सी चल रही थी चंद्र कुंडली में कौन सी दशाएं आ गई गोचर में कौन सी दशाएं आ गई तो सब चीजों को देखें वर्ष फल में कौन सी दशाएं चल रही हैं अगर उनका उपाय समय रहते कर लिया जाए तो दवाई भी निश्चित रूप से लगती है ऐसा मेरा मानना है और विश्वास है और ये पंद्रह साल का अनुभव और गारंटी के साथ मैं इस बात की जिम्मेदारी कहता हूँ बहुत बढ़िया थैंक यू सो मच भैया मुझे लगता है बहुत ही इंसाइटफुल वीडियो है और लोगों को काफ़ी मदद मिलेगी जो ये लोग देखेंगे और अगेन आपका नंबर डिस्क्रिप्शन uh, में ऑलरेडी हमने डाल दिया है तो किसी को कोई भी हैं और वो बात करना चाहते हैं तो भैया से आप बात कर सकते हैं और उनसे आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं थैंक यू सो मच